हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए एक टेस्टी सा नाश्ता, अलग एकदम यूनिक। आज जो हम बनाने वाले हैं, उसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक प्याज ले लिया है। प्याज बारीक करके चॉप कर ली है। जो हरी मिर्च होती है वो लाल हो चुकी है, वो मैंने दो काट ली है। दो हरी मिर्च है, एक पीली मिर्च है। ये पीली हो गई थी इसलिए हमने पीली भी काट ली है। इन सबको एक बाउल में डालेंगे। इसमें हम डालेंगे एक कटोरी बेसन, ये छोटी कटोरी है, वेट में ज्यादा ज्यादा 50 ग्राम होगा। एक कटोरी हमने इसमें बेसन डाला है, एक कटोरी हम इसमें सूजी डालेंगे। स्वाद अनुसार हम इसमें नमक डाल लेंगे। इनको मिक्स कर लेंगे। इसमें हम आधा कटोरी दही डालेंगे। दही की जगह आप नींबू भी डाल सकते हो। एक पतला सा इसका बैटर तैयार करना है हमें। अब इसमें हम इसके जरूरत के हिसाब से पानी डालेंगे। बैटर हमें कुछ इस तरीके से तैयार करना है। ये देखिए कितना अच्छा बैटर तैयार हो गया है हमारा। बैटर को हम एक तरफ रखेंगे और हम इस तरीके से कोई गहरा बर्तन ले लेंगे। आप कोई जैसे केक बनाते हैं इस तरीके से आप कोई भी ले सकते हो। मैंने इस तरीके से ये एक गहरा बर्तन ले लिया है। ये मैंने एक चुटकी बेकिंग पाउडर लिया है, ये हम इसमें डालेंगे। आप इसकी जगह इसमें इनो भी डाल सकते हो। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें इसे मिक्स करने के बाद इसमें हम इसको सारे को डालेंगे। ये बैटर सारा हमने इसमें डाल दिया है। ऊपर से हम इसमें कड़ी पत्ता डालेंगे। चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं हम इसको बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में पानी जो है बॉईल कर लिया है। बॉईल पानी के अंदर हम एक स्टैंड रखेंगे इस तरीके से, और ये जो बैटर हमने बनाया वो इसको इसके ऊपर रख देंगे और ऊपर से इसको कवर कर देंगे। और इसको हम 15 मिनट तक इसी तरीके से स्टीम करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, एक बार चेक कर लेते हैं, 15 मिनट हो चुकी है। ये देखो कितना अच्छा कलर आया है। और एक बार हम इसको अंदर से भी चेक कर लेते हैं कि ये अच्छे से पका है कि। ये देखिए अंदर से अच्छे से कुक हो चुका है, ये चिपक नहीं रहा है। अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको उतार लेंगे। इसको हमने थोड़ा ठंडा कर लिया है। इसको चाकू की सहायता से हम इसको किनारे छुटाएंगे। इसको हम पलट देंगे। ये देखिए कितने अच्छे से निकल गया है हमारा। इसको हम अब सीधा रख लेंगे। अब इसको हम चाकू की सहायता से इसके पीस बना लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे बनाए हमारे। इसको हम ऐसे भी खा सकते हैं, पर मैं इनको सैलो फ्राई करूंगी थोड़ा और क्रंची बनाने के लिए। चलिए अब इनको फ्राई कर लेते हैं। गैस का फ्लेम चालू करके मैंने यहाँ पे एक पैन रख लिया है। इसमें मैं थोड़ा ऑयल डालूंगी। ये मैंने 2 चम्मच ऑयल डाला है। इसको हम फैला लेंगे और ऑयल को गर्म कर लेंगे। ऑयल हमारा गरम हो चुका है, हम एक एक पीस इस तरीके से रखेंगे। दो मिनट हम इधर से सेक लेंगे, इनको करारा कर लेंगे। अब इनको हम चेंज कर लेंगे। दो मिनट हम इधर से भी सेक लेंगे। ये देखिए हमारे इधर से भी सिक गए हैं। ये गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इनको सर्व कर लेंगे। हमारा टेस्टी सा नाश्ता बनके तैयार हो चुका है। ये देखिए कितना क्रंची बना है और कितना यम्मी लग रहा है देखने में भी। ये खाने में भी उतना ही टेस्टी लगेगा। आप खा के देखना, बना के देखना। इसी के साथ दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ।